हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने कहा कि मार्च 2024 तक हरियाणा परिवहन के बेड़े में 1300 नई बसें शामिल कर दी जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ उन्होंने हरियाणा में पीपी मोड पर बनाए गए 5 नए बस स्टैंड के लिए मुख्यमंत्री मनोहर लाल का धन्यवाद करते हुए कहा है कि बीजेपी के कार्यकाल में प्रदेश में 17 नए बस स्टैंड निर्माणाधीन है, जिनमें से कुछ बन चुके हैं आ रहे हैं और कुछ पे काम में कुछ कम्प्लीट हो चुके हैं। और 5 हमारे ऐसे बस स्टैंड जो पीपी मोड, जैसे हमने सबसे कल मुख्यमंत्री जी ने फरीदाबाद में 125 करोड़ की लागत से पहला बस स्टैंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजी के साथ पूरा एयर कंडीशन फरीदाबाद को मुख्यमंत्री ने कल समर्पित किया। और इस तरह के एक नहीं 5 बस स्टैंड गुड़गांव फरीदाबाद, हम इस तरह के 5 बस स्टैंड बनाने जा रहे हैं जिन्हें मुख्यमंत्री ने बस पोर्ट का नाम दिया है, बस अड्डों को। और जहां बार बार लंबे समय से डिमांड हुआ करती थी कि प्रदेश में प्राइवेटीकरण हो रहा है, बस नहीं है, और हमने प्राय हरियाणा प्रदेश के बेड़े में अभी जो बेड़ा 4500 का उसको 5400 का करा है, और 5400 से साथ साथ 1300 बस अभी हमने नई ली हैं जो आने वाले 31 मार्च तक बिल्डअप बस आएंगे, और 809 बस हम पहले ले हैं। अब टोटल मिला के सारी बस 5200 बस हमारे पास टोटल इस समय 31 मार्च तक 5200 बस हरियाणा रोड के बेड़े में शामिल हो गई। अच्छा सर, उपचुनाव है, जनता के बीच जा रहे हो, क्या कह रही है जनता, क्या उसमें लग रहा है आपको? और प्रदेश की, हरियाणा की जनता बहुत समझदार है, और हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। भारतीय जनता पार्टी आदमपुर का चुनाव जीतेगी, और आदमपुर के लोग विकास कराना चाहते हैं, विकास करना चाहते हैं, और आदमपुर के लोग राज्य के सोच और विचार के लोग हैं। उन्हें पता है प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के नेतृत्व में राज्य में साझा होने जा रहा है, और राज्य में साझा होता है तो विकास पूरे हरियाणा में तो हो ही रहा है, पर जहाँ का विधायक होता है मजबूती के साथ काम ज़्यादा तेजी के साथ कराएगा। और आदमपुर पर छोटी नहीं, बहुत बड़ी जीत होने वाली है, और हरियाणा को दिशा देगा ये चुनाव। लेकिन विपक्ष तो लगातार खनन के ऊपर आरोप लगा रहा है कि खनन माफिया अभी भी सक्रिय है प्रदेश में, और जो है ये कहा जा रहा है कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस से भागे हुए नेता है। मैं आपके माध्यम से, मैंने व्हाट्सएप पे भी डाला है, पूर्व की सरकार 10 साल हरियाणा में सरकार रही थी, उनका खनन 1246 करोड़ रुपये था, 1246, और मेरा 8 साल का, पूरे 8 साल का 4667 करोड़ रुपये हमने खनन में किया है, 4600 करोड़। और ये हरियाणा का अपने आप उदाहरण है, अपने समय तो कर नहीं पाए कुछ, अपने समय तो समय मिला नहीं, और आपके यहाँ के मुख्यमंत्री रहे थे वो तो लूट में खड़े रहे, उनके सारे साथी मित्र साथी सलाहकार जमीन खनन, आज खनन की बात करते करके दिखाते ना, आज हमने 4 गुना मुकदमे दर्ज किए हैं, 4 गुना उनसे, और इतने लोगों की गिरफ्तारी करी, जेल में डाला हमने, वो भी बात करते हैं। लेकिन डीएसपी जैसे बड़े अधिकारी का भी तो इस तरह से हत्या होना। हाँ, डीएसपी मैं कहता हूँ खनन के इस तरह के, जहाँ खनन का इस तरह के कोई करेगा, पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास करेगा। अब कई बार आदमी रोकने का प्रयास करता है कि आदमी सामने आ जाता है, हमने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज 302 की मुकदमा दर्ज किया, उनके खिलाफ गिरफ्तारी करी है। ऐसे भी हरियाणा प्रदेश कोई भी अधिकारी हो उसको बख्श के आए, कितना भी बड़ा क्यों ना हो, प्रदेश में मनोहर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, और मूलचंद शर्मा माइनिंग खनन ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर है, ऐसे आदमी का इलाज करना हम जानते हैं। शुक्रिया।